एक चीज जो मैंने देखा है सभी टॉपर्स को डिफरेंशिएट करती है, एक एवरेज स्टूडेंट से या एक ऐसा स्टूडेंट जो नहीं अचीव कर पाया अपने गोल्स, जो अगर हम जेई की बात करें, आईआईटी नहीं जा पाया, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है डिफरेंस होता है, आई थिंक वो एक वर्ड का होता है, वो है FOCUS, फोकस। ये आपका ऑप्टिक्स वाला फोकस नहीं है, ये है अपना मेंटल फोकस। ठीक है, तो एक चीज आपको समझनी होगी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था, अगर आपने देखी हो तो, कि कोई भी व्यक्ति जिसने आज तक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है ना, वो उसने केवल एक दम पर किया है कि वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा फोकस्ड पर्सन था। ठीक है, वो अपने गोल की तरफ या जो भी वो लक्ष्य पाना चाह रहा था, देवर 100% कमिटेड टू जस्ट दैट वन थिंग। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि कई सारे जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, उनको कई बार क्या इंस्पिरेशन है, देखो लेखनी का काम जो है वो बहुत ही क्रिएटिव काम होता है, उसमें आपके दिमाग में आइडियाज आने चाहिए, एकदम बहुत फोकस चाहिए होता है उस चीज के लिए ना। आइडिया ऐसे नहीं आते कि कुछ गाने सुनते सुनते आइडिया आ गया, या गेम खेलते खेलते आइडिया आ गया, नहीं, आपको फोकस चाहिए होता है, रील देखते देखते आइडिया आ गया, नहीं, है ना। तो वो क्या करते हैं कि एक कुटिया बनाते हैं, एक छोटा सा कुछ रूम बनाते हैं सेपरेट, या कहीं नेचुरल जगह में कोई एक प्लेस बनाते हैं, और वहां पे जाके वो हट में बैठ के अपनी राइटिंग करते हैं, वहां पे अपना टाइपराइटर या जो भी है उनकी कलम लिख के वो लिखते हैं। ये केवल एक या दो राइटर की बात नहीं है, बहुत सारे राइटर्स है, रोअल डाहल की इस तरह की कहानी है, मैंने एक दो और आई थिंक मैं भूल गया हूँ ऑथर का नाम, उन्होंने भी ऐसा किया था। इवन जेके राउलिंग ने भी एक सिमिलर चीज की थी, जब वो एक आइसोलेशन में जाके उन्होंने हैरी पॉटर की 7th बुक लिखी थी, राइट। तो आइसोलेशन में ही कोई क्रिएटिव काम, कोई जीनियस काम जिसको कहते हैं, वो हो पाता है। और यदि आप इतने डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई जैसा डिफिकल्ट एग्जाम, और अगर आपका फोकस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंसिव चीज है ये, है ना। जैसे आपका 10th बोर्ड था या 11वीं बोर्ड है, वो कोई इतनी हार्ड चीज नहीं होती यार, मतलब कोई लल्लू पंजू बच्चा भी थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, वो कर लेगा। लेकिन अगर आपको जेई एडवांस के सवाल बनाने हैं, जिनमें इतने लंबे लंबे तो उनके क्वेश्चन ही होते हैं, मतलब आधे जो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, फिर यहाँ क्वेश्चन वहां खत्म होता है, फिर ऑप्शन एक एक दो दो लाइन के और होते हैं। तो यदि आप इस लेवल की चीजें अटेम्प्ट भी करना चाह रहे हो, तो आपको बहुत फोकस चाहिए होता है। पहली बात, आधे लोगों में इतना फोकस नहीं होता कि इस क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है, 90% जनता जेई की ऐसी जो क्वेश्चन नहीं समझ नहीं पाती है। जो बच्चे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, उनमें इतना दिमाग की एक्टिविटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना, कि क्या क्या पार्ट्स हैं, कि इस क्वेश्चन में ये 4 पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट ऐसे सॉल्व होगा, ये वाला ऐसे सॉल्व होगा, ये फिर ये कंबाइन होकर अपन को आंसर देंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जे एडवांस्ड में, राइट। तो ये सब कैसे होगा, जब आपकी उतनी स्ट्रांग कॉन्सेप्ट में पकड़ है, जब आपका उतना स्ट्रांग रिवीजन है, जब आपने उतना डेप्थ में चीज को पढ़ा हुआ है। एक एक टॉपिक को पढ़ने में 5-5 10-10 घंटे लग जाते हैं, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होते हैं ना, एक एक टॉपिक पढ़ने में 5-5 10-10 20-20 घंटे लगते हैं, ये इतना हार्ड एग्जाम है। ठीक है, और वो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि दिन में मैं आधे टाइम रील चला रहा हूँ, आधे टाइम ये चला रही हूँ, वो चला रही हूँ, ये वो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही शार्प फोकस की जरूरत है, और बहुत ही लंबे टाइम के फोकस की जरूरत है। कई बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, 10 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट ब्रेक, ये ब्रेक, फिर ब्रेक। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये एग्जाम में आपको 3 घंटे की बैठक करनी है, राइट। एंड आप ऐसे ही नहीं बैठ जाओगे कि बस हाँ चल के गए बैठ गए, नहीं, आपको उस लेवल की होनी चाहिए, आपकी सिटिंग होनी चाहिए, आप में उस लेवल की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो फोकस 3 घंटे तक कर पा रहे हो, उस एक पेपर में उन क्वेश्चंस पे आप 3 घंटे तक लगातार फोकस कर पाओ। केवल एक टॉपिक की बात नहीं है, 11th + 12th ऑल चैप्टर्स, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, इतनी बैंडविड्थ चाहिए आपके ब्रेन को, और वो बैंडविड्थ ऐसी नहीं आ जाएगी। मैंने इसीलिए नोटिस किया है कि जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी बच्चे आईआईटी में जाते हैं, दे आर वेरी फोकस्ड, नॉट ओनली इन देयर स्टडीज, स्टडीज में फोकस तो चाहिए ही होता है, वो जो उनका मिशन था उसको लेकर ऑब्सेस्ड थे। मतलब मुझे आज भी याद है, मैं आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर में होता है ज्यादा ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जेई का क्रेज ज्यादा होता है, फिर सेकंड थर्ड ईयर में तो उतर जाता है क्योंकि लोग आगे की चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में जेई की काफी स्टोरी सुनाते हैं सब अपने डिस्कस करते, राइट। तो वहां पे ना लोग मतलब क्वेश्चन डिस्कस, उनको याद होते हैं क्वेश्चन कि भाई 2012 में ऐसा क्वेश्चन आया था, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, 2015 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ये ऐसे सॉल्व होगा, इस वाली किताब में ये वाला क्वेश्चन है, उनकी ऑब्सेशन होती है एग्जाम को लेके। वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन का एक एक दिन आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई यार मैं इस महीने ऐसे पढ़ रहा था, इस महीने मेरे को ये दिक्कत हुई, इस महीने मैंने ये किया, एक एक चीज उनको दिमाग में होती है। और ऐसा बच्चे भी है जिनको टीचरों के नाम नहीं पता अपने, जिनको टॉपिक के नाम ही नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ा भाई कौन सा टॉपिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या फ्लूइड है, पता ही नहीं पड़ रहा, राइट। तो अब ये वाला बच्चा थोड़ी एग्जाम निकालेगा, वर्सेस जो बच्चा ऑब्सेस्ड है उस गोल को लेकर। कई लोग इसको टॉक्सिक बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भाई आप किसी भी फील्ड में देख लो, आप सिंगर्स को देख लो, जो लोग सिंगर्स बड़े बनते हैं ना, वो सिंगिंग से ऑब्सेस्ड होते हैं, पूरी तरह से उनका जीवन ही सिंगिंग होता है। जो बंदा एथलीट बनता है ना, क्रिकेटर बनता है, फुटबॉलर बनता है, उसका पूरा जीवन ही उसमें खप जाता है, और फिर भी कई लोगों का नहीं हो पाता है।
पूरा अंदर घुस जाते हो उस चीज के, राइट। तो पढ़ाई में भी वैसे ही आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बाबा बस बैठी रह गए और हमारा काम हो गया। आपको उस लेवल की फोकस डेवलप करनी होगी, आपको उस लेवल का पैशन लाना होगा। अब यहाँ पे कई बच्चे पूछते हैं फोकस कैसे डेवलप करूँ, तो इसके दो आंसर्स हैं। पहला थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक ऑनेस्ट बात बताऊं कि अगर आपको पूछना पड़ रहा है ना कि मैं फोकस कैसे लाऊं जेई प्रेप के लिए, शायद आप बनी ही नहीं हो सकते एग्जाम के लिए। क्योंकि यार जो बच्चे निकालते हैं ना आईआईटी, वो लोग इतने ऑब्सेस्ड होते हैं ना उन चीजों के बारे में, वो चैप्टर्स को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं कि भाई रोटेशन नहीं समझ आ रहा, रोटेशन कैसे होगा इनऑर्गेनिक में, भाई ऐसे ब्लॉक पढ़ा तूने कल, क्या खतरनाक चीजें थी। हालांकि अब तो शायद पता नहीं कुछ बच्चे कहते हैं कि शायद वो नहीं है, जो भी है भाई तूने वो पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, भाई यार एमओटी क्या जोरदार चीज है, लोग ऐसे डिस्कस करते लिटरली। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा पागलपन में आता है ये, लेकिन वो पागलपन चाहिए आपको अगर ये एग्जाम निकालना है। थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा वो बात हो गई, नर्डी बात हो गई, बट वो चाहिए यार आपको, आप नहीं निकाल सकते उसके बिना। वो चाहिए आपको, पैशन चाहिए। वो पैशन जिस दिन होता है ना आपका, अपने आप फोकस बनता है, क्योंकि आप बाकी सब चीजें पीछे छूट गई है, केवल वो चीज आगे आ गई है। तो वो पैशन आपके अंदर से आता है यार, वो मैं ऐसे नहीं है कि मैं कोई वीडियो बना दूंगा या कोई और आप मोटिवेशनल स्पीकर को देख लोगे या कुछ कर लोगे, कोई गोली खा लोगे और आप में आ जाएगा, नहीं। वो आपके अंदर होना चाहिए यार, कि वो पैशन होना चाहिए सब्जेक्ट्स को लेकर, मैथ्स को लेकर, फिजिक्स को लेकर, आईआईटी को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर, वो अंदर से चीज आती है फिर निकलता है एग्जाम। क्योंकि फिर आपके लिए वो एक काम नहीं है, वो मेहनत नहीं है, वो आपको करनी है, आपको पसंद आ रहा है वो, राइट। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल बात भी थोड़ी कर लेते हैं कि ऐसा तो होता नहीं है कि भाई हर बच्चे को हर चीज़ में इंटरेस्ट हो। जैसे इनऑर्गेनिक में कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं भी आता है, या हर सब्जेक्ट में हर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है, किसी को मैथ्स में नहीं आता है, फिजिक्स में तो यूजली बच्चों को आ ही जाता है। तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ भाई तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब नोटिफाई भी ऑन कर लो, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ आईआईटी जेईई पढ़ाई को लेकर। तो कैसे स्टडी में डेवलप करें हम इंटरेस्ट, फोकस कैसे लाएं अपने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं बात करूंगा, ये पढ़ाई को लेकर नहीं है, माइंडसेट को लेकर नहीं है। कई लोग ना माइंडसेट की बात करते हैं, आई थिंक माइंडसेट थोड़ा सा ओवररेटेड है यहाँ पे। आई थिंक अपने चारों ओर जो डिस्ट्रक्टिव ट्रिगर्स हैं उनको हटा देना बहुत अच्छी बात है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चा है, उसके सामने फोन अनलॉक पड़ा हुआ है, बढ़िया वाला फोन एकदम, तो मेरा फेवरेट फोन पड़ा हुआ है, उसके अंदर सारी ऐप डली हुई है, इंस्टा डला हुआ है, ट्विटर डला हुआ है, यूट्यूब डला हुआ है, फेसबुक, स्नैपचैट भी चलाते हो ना तुम लोग, स्नैपचैट और क्या क्या चलाते हो, नया कुछ आया तो बताओ, सब डला हुआ है, सब में अकाउंट बने हुए हैं, सब में फ्रेंड्स ऐड है, सब कुछ है भाई, एकदम प्रॉपर चल रहा है। वर्सेस सेम बच्चा, उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसके सामने केवल कॉपी किताब पेन। आप मुझे बताओ कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा? सेम बच्चा है ऑब्वियसली, जिसके पास कोई और चीज़ है ही नहीं वो पढ़ेगा, क्योंकि यार ये चीज़ें जो होती है डिजाइंड ही ऐसे, या टेक्नोलॉजी वगैरह डिजाइंड ही इस प्रकार से है कि आप इससे नहीं भाग सकते, आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, राइट। तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने फ़ोन में मिनिमल ऐप्स रखें। जैसे मेरा फ़ोन है, ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ मेरा फ़ोन, मैंने बहुत शानदार वाला फ़ोन लिया था जब ये लॉन्च हुआ था, उस समय का सबसे बेस्ट फ़ोन यही है, ठीक है। मैंने ये वाला फ़ोन लिया था 2020 में, तो इस फ़ोन में मैं सब ऐप रखता था, लेकिन अब मेरे फ़ोन में केवल एक स्क्रीन है, उसमें ऐप्स है केवल, वो भी सेटिंग्स, कैलकुलेटर, क्लॉक, ये वो, कुछ बैंकिंग की, कुछ मेरे बिजनेस रिलेटेड, ये सब ऐप्स है, बाकी एक भी इसमें कोई भी ऐप ही नहीं है सोशल मीडिया की, कोई भी यूट्यूब ऐप तक नहीं है पता है मेरे फ़ोन में, मैं वीडियो डालता हूँ ऐप में, यूट्यूब नहीं है फ़ोन में, मैं डेस्कटॉप पर यूज़ करता हूँ। तो आप डेस्कटॉप पर यूज़ कर लो, या जो मोबाइल का वेब ब्राउज़र होता है उसमें खोल लो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अकाउंट्स उड़ाई दो, बिल्कुल ही बंद कर दो, ठीक है, कुछ यूज़फुल चीज़ें भी होती है, फ्रेंड्स कनेक्ट होना चाहिए, कभी कभी चिल आउट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बार बार रहेगा, या एक या दो ऐप्स रखना, जैसे यूट्यूब अगर आपको पसंद है देखना, और यूट्यूब पे कई इन्फॉर्मेशन चीज़ें भी आती है, पढ़ाई की चीज़ें भी आती है, तो वो आप रख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जैसे बाकी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट हो गया, या और कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्टिव हैं, उनको शायद आप थोड़ा दूर कर सकते हैं। अगेन सजेशन है, आप अगर इसके साथ भी पढ़ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इनकी नंबर ऑफ ऐप्स कम कर सकते हैं, थोड़ा आप ब्राउजर की तरफ जा सकते हैं, या लिमिट कर सकते हैं टाइम को कि भाई यार हमें इतनी बजे से इतनी बजे ही चलाना है। ऐसी ऐप्स आती है, सर्च करना कि डिस्ट्रक्शन फ्री ऐप्स, ऐसे करके सर्च करना प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, जो भी है आपके फोन में, उसमें को मिल जाएगी ऐसी ऐप जो आपके फोन को, ऐप्स को लॉक कर देती है कि भाई इंस्टाग्राम चलेगा ही नहीं, एक घंटे चलेगा उस दिन में, आधा घंटा चलेगा, वो भी आप ड्यूरेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करना बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इंसानी मस्तिष्क है यार, उसका काम ही है डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। क्योंकि इंसानी मस्तिष्क ये सोच के नहीं बनाया कि भाई जेईई निकालना है, उसको जो डिस्ट्रैक्शन मिल गया तो चला जाएगा उसकी तरफ, आपकी बॉडी अपने आप चलती जाएगी उसकी तरफ। तो वो आपको ही अपनी तरफ से इस तरह की रिस्ट्रिक्शन पुट करनी है कि भाई यार नहीं होगा ये सब, ठीक है। तो एक फ़ोन वाला डिस्ट्रक्शन होता है, बाकी तो देखो और क्या डिस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ों पर आप ये चीज़ कर सकते हो, टीवी या टीवी पर भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। बेसिकली ऑल आई एम आस्किंग इज कि आपका जो स्टडी इन्वायरमेंट है ना, जिसमें आप दिन में 8 से 10 घंटे स्पेंड करते हो, उस स्टडी इन्वायरमेंट में कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी किताब, आपकी कॉपी, आपका पेन, और यदि ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपका लैपटॉप, और लैपटॉप में भी कुछ फालतू चीज़ नहीं, ब्राउजर पे एक्सटेंशन आते हैं जिनसे डिस्ट्रैक्शन ऑफ हो जाते हैं, वो सब लगा के फिर यूज़ करना, ठीक है। बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ ये मैं,
फॉलो करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये बोल के कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं बोलूँ भाई इंस्टाग्राम उड़ा दो, मेरे फॉलोअर्स कम होंगे ना यार, बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए भली चीज़ है। ठीक है, यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे, आई थिंक यूट्यूब इज अ रिलेटिवली बेटर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कोई सोशल नेटवर्किंग नहीं है, यहाँ पे कंटेंट आते हैं राइट, अब वो तो आप ही चूज करते हैं आपको क्या देखना है राइट। तो फालतू चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, ये भी एक टिप हो सकती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, फोकस करने में, वो है अपने अंदर से एक चीज़ लाना। मतलब अगर आप इस चीज़ को लेकर पैशनेट होते हो ना यार, आप सोचते ही हो, मतलब आप अगर ऑब्सेस्ड हो ना फिजिक्स को लेकर, मैथ्स को लेकर, आईआईटी जाने को लेकर, तो आप सोचोगे ही ना, आपके दिमाग में ही विचार नहीं आएगा यार कि मैं कुछ और करता हूँ, आप वही करोगे। तो वो चीज़ अपने अंदर प्लीज़ लेके आओ, अब वो आप ही कर सकते हो, वो आप ही को रियलाइज़ करना होगा, आपको अपने अंदर का वो देखना। और चांसेस है कि अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हो, आप 11th में हो और आप 50 चीज़ें कर सकते थे, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद आप ऑलरेडी ऑब्सेस्ड हो उस एग्जाम को लेकर। सो दैट्स अ गुड थिंग। सो उस ऑब्सेशन को अलाइव रखो और उसको अपने आप को पुश करने के लिए यूज़ करो, नेगेटिवली यूज़ मत करो, यूज़ दैट ऑब्सेशन टू पुश योरसेल्फ। और अगर आपको और हेल्प चाहिए, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा रिसोर्स मेरे पास है, 22 दिसंबर यानी कल रात तक आपको मेरा J25 कोर्स अवेलेबल है फॉर जस्ट 5000 रुपीज़। यूजली 10-15,000 का सेल होता है ये, लेकिन अभी केवल 5000 का है। ठीक है, उसमें 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं उस एक कोर्स में, और बहुत ही हेल्प कर रहा है सभी स्टूडेंट्स को अपनी बैकलॉग भी क्लियर करने में, रिविजन भी करने में, प्रैक्टिस के लिए भी, सब कुछ के लिए। ठीक है, मैंने उसके अंदर खुद पढ़ाया भी है आपको, तो मज़ा आएगा। यहाँ पे तो आप वीडियोस देख रहे हो, वहाँ पे सोचो कि मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, डिटेल लेक्चर्स भी हैं, शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं, टेस्ट भी है, एवरीथिंग यू विल गेट। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फर्स्ट लिंक है, क्लिक करना, उसमें कोड आपका खुल जाएगा वेब पेज, उस पर एनरोल पर क्लिक करना, आपको ऑनलाइन पेमेंट की लिंक आएगी, उसमें UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड, जो भी आपको चीज़ें पता है, आप सबको पता है, वो आप करके वन टाइम पेमेंट है, कोई मंथली कुछ नहीं है, वन टाइम पेमेंट है, J-Advanced 2025 तक चलेगा कोर्स। ठीक है, तो आपको कोर्स मिल जाएगा, आराम से पढ़ना उसको लेके। ठीक है, इमीडिएट कोर्स मिल जाएगा, कोई इसमें लाइव क्लास कुछ ऐसा टाइम पास नहीं है, सब कुछ हम आपको Day-1 पे दे देते हैं, जब आपकी मर्जी आप पढ़ना। ठीक है, और आपको इसमें हर चीज़ का सोल्यूशन भी दिया, ताकि डाउट वाउट का भी लफड़ा नहीं रहे। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, 10,000-12,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव स्टडीड विद अस इन द लास्ट 4 ईयर्स, एंड आप भी बहुत बेनिफिट करोगे डेफिनेटली उस चीज़ से। ठीक है, तो लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया है, और आप खुद से भी पढ़ सकते हो। देखो, ये जो मैंने बातें बताई है, खुद पे भी अप्लाई है, लेकिन अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है 5000 रुपीज़ की, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, इट विल हेल्प यू इवन इफ यू आर सेल्फ स्टडिंग, या कोचिंग में भी हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट विल हेल्प यू अलॉट। और अगर आपको कोचिंग में सब कुछ आ रहा है, आप अच्छा कर रहे हो, तो भी इट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज मैंने वहाँ पे मेरी कई सारी एक्सपर्ट टिप्स भी दी है जिन्होंने मुझे फर्स्ट रैंक लाने में हेल्प किया था। सो इट्स अ रियली गुड पैकेज फॉर एवरीवन, एंड यू शुड टोटली गेट इट। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे सोशल हैंडल्स के, मेरे कोर्स वगैरह के। ठीक है, अब आप बोलोगे सोशल हैंडल के लिंक क्यों दिए, भाई काम की चीज़ें ही मोस्टली पोस्ट करता हूँ मैं, तो मैंने कहा ना आपको फील्ड क्लीन करनी है आपको, तो जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि यार आपके लिए काम की नहीं है, उनको आप हटा सकते हैं, और जो चीज़ें आपको लगता है आपको हेल्प कर रही है, देन यू कैन फॉलो। गुड बाय बाय, ये क्या होगा, बाय बाय, गुड लक।